One of the top 10 private B schools in India. Our focus is on cutting edge domain knowledge and benchmarking with world-class businesses. Big Tech, excellence with values. नमस्कार सर, मैं रोहित शर्मा tuchok.com से। सर, मैं आपसे कुछ चंद प्रश्न पूछना चाहता हूँ। आपके दादरी विधानसभा में क्षेत्र में कौन सी मुख्य समस्याएं हैं? समस्याएं किसानों के विकास की, जो हमारी सरकार में विकास आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कराया था। जी सर। वो आज 8 महीने से करीब जी सर बंद पड़े हैं। जी, सबसे पहले विकास की आवश्यकता है। सर, इसको निपटाने के लिए आपने कौन कौन से कदम उठाए हैं? सर, हम सीओ से मिले हैं, सीओ साहब से कहा, उनसे जो है उनके जो अधूरे काम है उनको निस्तारण कराने का काम करते हैं। जी सर। और जो हमारी नीति आती है उसको हम क्षेत्र में लगाते हैं। सर, आने वाले समय में आपका क्या कदम होगा विकास के? इसमें तो विकास ही है मेन तो चीज़ है, ग्रेटर नोएडा में विकास है, जो भी गाँव प्रभावित होंगे उससे उसमें विकास किया जाए। सर, कुछ ही दिनों में यमुना एक्सप्रेसवे खुलने वाला है, इसमें इस क्षेत्र के विकास में कितना प्रभाव पड़ेगा? इस क्षेत्र के विकास में बहुत चार चांद लगेंगे, क्योंकि ये एक्सप्रेसवे अपने आप में अलग ही तरीके का बना हुआ है जी, और इससे लोग प्रभावित होकर फिर इससे आगे का रास्ता बहुत कम समय में तय किया जाएगा जी सर, और लोगों का आवागमन होगा इस क्षेत्र में जी सर, इसमें जो और विकास का रास्ता जी सर। समाजवादी पार्टी ने जेवर एयरपोर्ट को आगरा ले जाने का प्रस्ताव बनाया, इस क्षेत्र के विकास में विपरीत परिणाम क्या होगा, इसमें आपकी क्या राय है? इसमें इतना परिणाम होगा कि हमारा क्षेत्र करीब 20 साल पीछे चला गया जी। अगर एयरपोर्ट आता तो इस क्षेत्र में बहुत चार चांद लगते जी, जो क्षेत्र में विकास होता और पूरे गौतम बुद्ध नगर एक विश्व के पटल पर जाता था जी। सर, ये ग्रेटर नोएडा में हमारी मेट्रो आने का प्रस्ताव है, इस क्षेत्र के विकास में कितना प्रभाव पड़ेगा? बहुत प्रभाव पड़ेगा, मेट्रो लाएं तो सही, अभी प्रस्ताव है जी। अगर प्रस्ताव आता तो लोग वहाँ पर तो और बसेंगे, ग्रेटर नोएडा शहर और बढ़िया विकसित होगा जी, बढ़िया शहर बनेगा जी। सर, सर आपने देखा होगा कि अभी बीच में लखनऊ में मूर्तियाँ तोड़ी गई हैं मायावती जी की, तो सर इसमें आपकी क्या राय है, क्या ये सपा का ही हाथ है या? तो वो तो आपने देखा, सर मीडिया ने दिखाया जी, सारे मीडिया के नेताओं के साथ जो लोग जिस आदमी का नाम आया जो इन्होंने जेल भेजा जी, सारे सपा के नेताओं से, चाहे मुलायम सिंह जी हों, चाहे अखिलेश हों, सर जी आजम खान साहब हों जी, सबके साथ उसकी क्लिप आप लोगों ने दिखाई जी सर, तो आपको रिश्ते मालूम हो जाएंगे किससे किसके साथ रिश्ते। धन्यवाद सर।